सुपर संडे था आज और काफी मैचेस हमें देखने को मिले। कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिले जिसका अपन ने मतलब ऐसा किया कि अनुमान हमने नहीं लगाया था कि ऐसा कुछ हो सकता है अगेंस्ट दोस बिग टीम्स। तो मैचेस काफी थे, अगर आप लालीगा की बात करो, सेरिया की बात करो, लीगा की बात करो, बुंडस लीगा की बात करो, प्रीमियर लीग की बात करो। तो बेसिकली हम जो इस वीडियो में बात करेंगे, जो सारे मैचेस हुए प्रीमियर लीग में, जो कि थ्रिलर आप बोल सकते हो, चाहे आप स्पर्स लिवरपूल की बात करो, आर्सेनल चेल्सी की बात करो, मैनचेस्टर यूनाइटेड एस्टन विला की बात करो। ये जो तीन गेम्स रहे हैं, ये बहुत 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 अच्छे गेम्स रहे हैं। इन द सेंस जो जीतने वाले टीम्स रही हैं उनके सेंस में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत अच्छे गेम्स रहे हैं उनके लिए। बाकी अगर हम बात करें अपने पहले मैच की, मैनचेस्टर आर्सेनल वर्सेस चेल्सी, तो देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाने चाहिए चेल्सी के बोर्ड से, चेल्सी बोर्ड से। मैं उनके मैनेजर से नहीं क्वेश्चन कर रहा या फिर उनके प्लेयर से क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट बोर्ड से ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने जो मैनेजर सैक किया था थॉमस टुकल को, ऑल्दो ग्राहम पॉटर का बहुत अच्छा सीजन चल रहा था ब्राइटन के साथ, बट आपने जो मैनेजर सैक किया था और आपने जो मैनेजर अपॉइंट किया टुकल का जो सक्सेसर रहा, तो क्या आपने वो कॉन्फिडेंस दिखाया उस मैनेजर पे कि हाँ हम इस मैनेजर को बैक करेंगे, और अगर ये मैनेजर रिजल्ट्स नहीं ला पाता है, जो कि अभी बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं आ रहे चेल्सी के, और अगर ये मैनेजर रिजल्ट्स नहीं ला पाता है तो क्या हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं? मतलब सैकिंग को अगर छोड़ दो, क्योंकि सैकिंग तो एक ट्रेडिशन सा बन चुका है अभी रिसेंट में, अगर आप देखो प्रीमियर लीग में, खास करके प्रीमियर लीग की मैं बात कर रहा हूं, तो प्रीमियर लीग में सैकिंग एक ट्रेडिशन सा बन चुका है। सो क्वेश्चंस ये पूछे जाने चाहिए बोर्ड से कि ग्राहम पॉटर क्या आइडियल रिप्लेसमेंट थे टॉमस टुकल के, क्योंकि अभी जो परफॉर्मेंसेस है देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ टुकल का जो सेवन मतलब 30% भी मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरीके से चेल्सी परफॉर्म करती थी अंडर टुकल, उस टाइप का परफॉर्मेंस दे पा रही है ग्राहम पॉटर के अंडर। क्योंकि बड़े टीम्स के अगेंस्ट आप देखो, आर्सेनल के अगेंस्ट भी अच्छा नहीं खेली, मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट भी अच्छा नहीं खेली ग्राहम पॉटर की चेल्सी। प्लस अगर मैं ब्राइटन के अगेंस्ट जो वो एक थ्रेसिंग था, मैं थ्रेसिंग ही बोलूंगा उसको, जिस तरीके का डिफीट मिला था, वहां भी चेल्सी अच्छा नहीं खेल रही थी। परफॉर्मेंसेस बिल्कुल सेम रहे इन तीनों गेम्स के ही। पहले चेल्सी मतलब बिल्कुल ऑफ द गेम थी, अगर आज की मैं बात करूं अगेंस्ट आर्सेनल तो बिल्कुल चेल्सी ऑफ द गेम थी। और ग्राहम पॉटर को अभी तक उनका जो बेस्ट 11 है, जो टॉप 11 है, जो कि वो खिलाना चाह रहे हैं, अपना जो फीड करना चाहते हैं ना 11 प्लेयर्स टीम में, वो अभी तक उनको नहीं मिला कि हाँ मेरा क्या प्रॉपर 11 है, मैं किसको किस बंदे को खिला सकता हूँ। हाँ इंजरीज रहे हैं, मैं मानता हूँ बेन चिलवेल इंजर्ड हैं अभी, रीस जेम्स इंजर्ड हैं अभी, फोफाना इंजर्ड हैं अभी, कैपा जो यूज कर रहे थे वो कैपा को बहुत, उसको भी अभी इंजरी हुई है, तो वो अलग सेंस है। बट फिर भी आपके पास एक प्रॉपर 11 होना चाहिए आपके पास इन टीम्स के अगेंस्ट खेलने के लिए जो अभी टॉप परफॉर्मेंस दे रही है, इन द सेंस कि मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, आर्सेनल, इन जैसे टीम्स के अगेंस्ट आपके पास एक प्रॉपर 11 होना चाहिए जो कि इन जैसे टीम्स के अगेंस्ट कम्पीट कर सके, जो कि बिल्कुल हमें देखने को नहीं मिल रहा है चेल्सी से। क्योंकि आर्सेनल देखो, आर्सेनल अभी टॉप पे है, वो इस गेम को जीतने के बाद टॉप पे फिर से चली गई है और वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है उनका गेम बिल्कुल। उनके जो जितने भी सारे 11 प्लेयर्स हैं, आर्टेटा के पास एक प्लान है कि मुझे इस प्लान पे चलना है, मेरे पास जो मेरे 11 प्लेयर हैं वो फुली फिट हैं और फुली कॉन्फिडेंट हैं गेम्स खेलने के लिए। सो वैसा होना चाहिए चेल्सी का भी, जो कि मुझे देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है अभी। क्योंकि चेल्सी देखो, चेल्सी एक ऐसी टीम है जो कि हमेशा टॉप 4 एंड अप करती है इन द प्रीमियर लीग, अभी रिसेंट ईयर्स में तो बिल्कुल वो लोग करते हैं टॉप 4 में। सो वहां आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं मैनेजर से कि हाँ हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इन टीम से अगेंस्ट। बस बट इस गेम में आने से भी पहले मतलब आई थिंक दे वर द अंडरडॉग, चेल्सी अंडरडॉग्स थे, एंड मुझे लगा था कि इस गेम में हमें कुछ दिख सकता है, क्योंकि लंदन डर्बी है, प्लस आप होम पे खेल रहे हो तो आप
कुछ परफॉर्मेंस दे सकते हो, बट यहाँ बिल्कुल ऑफ थे चेल्सी। ना उनके पास सप्लायर्स कोई थे जो बॉल कैरी कर सकते हैं, ना ओबामियांग का कुछ वैसा परफॉर्मेंस था, ना काय हैवर्ट से वैसा हमें कुछ देखने को मिला, ना स्टर्लिंग से कुछ ऐसे चांसेस रहे, मतलब उसने क्रिएट किए, बट फिर भी वैसा कुछ रहा नहीं कि हाँ आप फाइनल थर्ड में उसको स्कोर कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं रहा। सो बिल्कुल नल था चेल्सी। डिफेंसिव लाइंस भी उनके डल थे बिल्कुल। मार्टिनेली और साका अच्छे तरीके से खोल रहे थे, ओडेगार्ड बहुत ज्यादा मतलब लिंकअप कर पा रहे थे उन गैब्रियल हेसस, ये बहुत ज्यादा लिंकअप कर पा रहे थे अपने प्लेयर्स के साथ। तो बिल्कुल खराब गेम रहा चेल्सी के सेंस से अगर मैं बात करूं, और इन चीजों को चेंज करने की जरूरत है ग्राहम पॉटर को, क्योंकि अगर आप ज्यादा गेम ऐसे हारोगे, अभी तो वर्ल्ड कप आ रहा है, आप फिर वर्ल्ड कप से पहले एक गेम खेलने वाले हो, सो वो भी एक ऐसे टीम के अगेंस्ट न्यू कासल यूनाइटेड जो कि अभी टॉप 4 में है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो। तो अगर अगला गेम आप फिर वही ऐसा रिजल्ट आता है, अगर आप ड्रॉप खेल रहे हो या फिर आप हारते हो, तो फिर दिक्कतें आने वाली है ग्राहम पॉटर के लिए मेरे हिसाब से। और अगर आप परफॉर्मेंस निकाल लेते हो मतलब अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड, तो कुछ वहां चीजें चेंज हो सकती है, तब आपको एक मोमेंटम मिल सकता है कि हाँ वर्ल्ड कप में जाने से पहले हम गेम्स जीत कर आ रहे हैं। तो वो एक रहने वाला है, वो एक प्लेयर्स के मेंटेलिटी में रहने वाला, उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस दे सकता है। बट अगर अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर वो लोग हारेंगे या फिर वो रिजल्ट नहीं निकाल सकते पा रहे हैं, तो फिर दिक्कतें आने वाली है ग्राहम पॉटर के लिए। दिक्कतें आने वाली है ग्राहम पॉटर के लिए क्योंकि चेल्सी आर क्लूलेस राइट नाउ, उन्हें खुद नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। एंड मतलब मुझे ये समझ नहीं आता है कि कोवाचिच जब आपके पास है जो कि आपका सबसे बेस्ट मिडफील्डर है, अगर मैं बात करूं चेल्सी का सबसे अच्छा प्लेयर कौन है मिडफील्ड में, जो तो वो है मैटेओ कोवाचिच, आप उस बंदे को बेंच कैसे कर सकते हो? ठीक है आप डबल पिवट खेल रहे हो, कोवाचिच एंड जॉर्जिनियो को खिला लो, उसमें क्या दिक्कत है? कोवाचिच और जॉर्जिनियो को खिला लो, उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि कोवाचिच जब तक पिच में रहेगा आपको वो बॉल्स मिलेंगे, आपके जो रनर्स हैं, आपके जो फ्रंट में बंदे हैं ओबामियांग है, उसको बॉल्स मिलेंगे, बट आप कोवाचिच को बेंच पे रखते हो तो फिर आपको वो बॉल्स बनाएगा कौन? आपको वो जो फाइनल थर्ड में बॉल्स है वो सप्लाई कौन करेगा? आपके विंग्स को बॉल सप्लाई कौन करेगा? वहां सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाती है चेल्सी के लिए। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ग्राहम पॉटर की ये दिक्कतें हैं कि उस बंदे को कोवाचिच बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि कोवाचिच का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए, क्योंकि कांटे आपके पास नहीं है, ना ही आप गैलागर से स्टार्ट करवा रहे हो, तो कोवाचिच का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है इन इन खास करके इन जैसे गेम्स में। अब अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच आपने देखा होगा अगेंस्ट चेल्सी, तो जब तक कोवाचिच नहीं थे पिच में, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पूरे गेम को डोमिनेट किया था, बट जैसे ही कोवाचिच सब्स्टिट्यूट होकर आए 35th या 34th मिनट पे वो आए थे, उसके बाद गेम का डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो गया था, बिल्कुल चेंज हो गया था, और चेल्सी कुछ चांसेस क्रिएट कर रही थी जो आज बिल्कुल डल था, और जिसका फायदा आर्सेनल को बहुत ज्यादा आर्सेनल को मिला, और जाका और पार्टे ने बिल्कुल डोमिनेट कर रखा था मिडफील्ड, जिसके वजह से उनको मतलब वो एक जो सप्लाई मिलना चाहिए इन द फाइनल थर्ड वो नहीं मिल पा रहा था। और ऑन द अदर हैंड में अगर आर्सेनल की बात करूं, तो भाई उनके लिए कोई शब्द नहीं है क्योंकि दे आर प्लेइंग रियली वेल। 8 गेम उनका अनबीटन रहा था, अभी अभी 8 गेम उनका अनबीटन रहा, एंड दे विल प्ले वुल्व्स बिफोर द वर्ल्ड कप ब्रेक। सो उनके लिए तो अभी बल्ले बल्ले है और दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। उनके जितने भी सारे प्लेयर्स हैं काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस है, और आई थिंक कि ये काफी है उनके लिए कि मैनचेस्टर सिटी को वो इजिली चैलेंज कर सकते हैं टाइटल के लिए, क्योंकि वो लगे पड़े हैं मैनचेस्टर सिटी के पीछे के। आप पॉइंट ड्रॉप करोगे हम जीतेंगे, आप पॉइंट ड्रॉप करोगे हम पॉइंट्स लाएंगे, और हम पीछे पड़े हैं आपके, आपको हम ढील नहीं देने वाले हैं, तो ये सेंस बना रखा है आर्सेनल ने। सो गेम काफी मतलब अच्छा रहा आर्सेनल के सेंस में अगर मैं बात करूं, दे प्लेड रियली वेल, जहां उनको अच्छा खेलना था उन्होंने अच्छा खेला। सलीबा की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर बीस्ट है बंदा, उसने ब्रोहा को रोक रखा था, उसने ओबामियांग को रोक रखा था। अगर मैं बेन वाइट की बात करूं, वो भी काफी अच्छा खेल रहा था ये गेम। गैब्रियल मैगालस जिसने गोल स्कोर किया, बेहतरीन था वो,
प्लस ओलेक्जेंडर जिनचेंको भी काफी बढ़िया था। तो उनका बैक लाइन अगर डिफेंसिव ट्रांजिशंस की बात करूं मैं तो काफी बढ़िया रहते हैं वो लोग। वो लोग काफी अच्छा बिल्डअप क्रिएट करते हैं फ्रॉम द बैक, जिसकी वजह से उनको मतलब जैसी भी टीम के अगेंस्ट वो खेलते हैं उनको वो एक एडवांटेज सा मिला रहता है। अगर ओडेगार्ड की मैं बात कर लूँ, साका की बात कर लूँ, मार्टिनेली की बात करूँ, गैब्रियल जेसस की बात करूँ मैं, तो ये प्रॉपर प्रॉपर मतलब एक भूखे नंगे खिलाड़ी हैं, भूखे नंगे प्लेयर्स हैं, ये चढ़ेंगे और आर्सेनल स्कोर करेगी यार। क्योंकि अभी तक जितने भी सारे मैचेस हुए हैं प्रीमियर लीग में, 13 मैचेस वो खेल चुके हैं, आर्सेनल 13 मैचेस खेल चुके हैं और अभी तक कोई ऐसा मैच नहीं रहा जहां आर्सेनल ने स्कोर नहीं किया। तब तो निल निल कहीं नहीं रहा, आर्सेनल ने सब मैचेस में स्कोर किया है। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट में बता देना कि अगर, बट मुझे मैंने मैंने जितने भी सारे मैचेस देखे हैं आर्सेनल के, वहां उन्होंने स्कोर किया है और ये दिखाता है उनके इंटेंशंस को, उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि क्या ये टीम क्या करना चाहती है इन द प्रीमियर लीग। सो ये परफॉर्मेंस आना ही था और वो मतलब अंडरडॉग थे चेल्सी, और मुझे भी ऐसा लगा था कि हाँ चेल्सी कुछ यहाँ इस गेम में कर सकती है, बट फिर वही परफॉर्मेंसेस जैसा उन्होंने ब्राइटन के अगेंस्ट परफॉर्म किया था, जैसा उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट परफॉर्म किया था, उसी टाइप का एक परफॉर्मेंस रहा और वो बेकार वाहियात परफॉर्मेंस था। बट ठीक है, देखो क्या होता है, क्योंकि टॉप 4 के रेस के लिए आपका फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है और आप के पास कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी और भी अच्छी अच्छी टीम्स आ चुकी हैं। न्यूकासल के अगर देख लो तो वो अभी टॉप 4 पे बैठे हैं और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग। सो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड देख लो, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ठीक है, जैसा भी है। और अगर मैं दूसरे मैच की बात करूं तो लिवरपूल वर्सेस टॉटनहम, ये गेम काफी अलग था, ये गेम बिल्कुल अलग था। अगर आप आर्सेनल और चेल्सी देख रहे हो तो वो गेम बिल्कुल अलग था, उसका टेम्पो बिल्कुल अलग था, बट इस गेम का जो टेम्पो था टॉटनहम वर्सेस लिवरपूल, ये बिल्कुल अलग था। फर्स्ट हाफ लिवरपूल ने टोटली डोमिनेट किया, बट सेकेंड हाफ टॉटनहम ने बिल्कुल अलग तरीके से डोमिनेट किया और उन्होंने ऐसे ऐसे चांसेस बनाए जहां कहीं मुझे ऐसा लग रहा था, अगर आप गेम देख रहे होगे तो आपको आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे चांसेस टॉटनहम ने क्रिएट किए जहां ऐसा लग रहा था कि हाँ क्या ये लोग 3-2 स्कोर कर देंगे, ये लोग गोल्स इजीली स्कोर करेंगे। अगर फाइनल सेकंड्स की मैं बात करूं, फाइनल सेकंड्स तक ऐसा लगा कि टॉटनहम इजीली इक्वलाइज कर लेगी, इजीली इक्वलाइज कर लेगी। बट अगर मैं कुछ फ्लॉज की बात करूं टॉटनहम की, तो देखो कॉन्टे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता, बट कॉन्टे बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है और इन्हीं हरकतों की वजह से पसंद नहीं है। जब आपके पास कुलुसेवस्की है, मैं जानता हूं कि सन इंजर्ड है, आपके जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं आप जिन्हें लेके आप खेलते हो, रिचार्लिसन, सन और रोमेरो, ये इंजर्ड हैं, तो ठीक है थोड़ा सा आप ये दिखाओ कि कुलुसेवस्की को आप स्टार्ट करवा सकते हो, लुकास मोरा को आप स्टार्ट करवा सकते हो, आपने पेरिसिच को क्यों स्टार्ट करवाया अलोंग विद केन, आप स्टार्ट करवा सकते थे कुलुसेवस्की को, क्योंकि हमने देखा जब कुलुसेवस्की का सब्स्टिट्यूशन हुआ वहीं से गेम इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ टॉटनहम के लिए। सो कहीं ना कहीं इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा आई थिंक कॉन्टे को। और यहाँ पिप से पॉइंट्स वो निकाल कर ले जा सकते थे, ऐसा नहीं था कि लिवरपूल बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही है या फिर वो लोग प्योरली डोमिनेट कर रहे हैं टॉटनहम हॉटस्पर को, बट ये कुछ डिसीजंस थे जिसके वजह से कॉन्टे को ये सफर करना पड़ा। और आई थिंक कि अगर ये ऐसी गलतियां करेंगे तो आगे भी उनको पॉइंट्स लूज करने पड़ सकते हैं, तो ये चीज इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा टॉटनहम को और कॉन्टे को खास करके कि हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर मैं गेम की बात करूं तो गेम तो काफी अच्छा रहा, अगर लिवरपूल ने भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, बट हाँ कहीं ना कहीं वो लोग एक्सपोज हो रहे थे, तो अगर लुकास मोरा और कुलुसेवस्की पहले आए हुए रहते तो आई थिंक रॉबर्टसन और आर्नल्ड को इजीली एक्सपोज कर सकते थे वो, क्योंकि पेरिसिच कहीं ना कहीं फंस जा रहे थे इन बिटवीन कोनाटे एंड एलेक्जेंडर आर्नल्ड, और उनके पास वो पेस नहीं है जिससे कि वो फुट रेस में कोनाटे को हरा सके, जिसके वजह से वहां से चांसेस क्रिएट नहीं हो पा रहे थे केन के लिए खास करके। सो अगर डिसीजंस कुछ अच्छे होते कॉन्टे के तो आई थिंक ये अच्छा गेम होने वाला था हॉटस्पर के लिए।
बट ठीक है, वो लोग अभी टॉप फोर में है फिलहाल, बट ऐसे परफॉर्मेंस अगर आप देते रहोगे तो टॉप फोर में नहीं रह सकते, क्योंकि लिवरपूल जिस तरीके का परफॉर्मेंस अभी निकालेगी, ये तो बस ठीक है, उन्होंने उनका अच्छा नहीं रहा, शुरुआती गेम्स उनके अच्छे नहीं रहे, जिसके वजह से वो लोग अभी 9th या 8th पे बैठे पड़े हैं। बट आगे आने वाले सीजन में, विंटर विंडो में वो लोग साइनिंग्स करेंगे, उनको एक मिडफील्डर चाहिए, वो लोग लाएंगे, और वहां उसके बाद उनका परफॉर्मेंस देखना। वर्ल्ड कप के बाद लिवरपूल डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करेगी, और आई थिंक कि वो लोग टॉप फोर में इजिली फिनिश करेंगे। सो अगर टॉटनम को टॉप फोर में रहना है, उनको चैंपियंस लीग के जो चांसेस हैं उनको अलाइव रखना है, तो उनको अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, और कॉन्टे को कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। सो 2-1 का स्कोर ये जस्टिफाई नहीं कर रहा था इस गेम को, अगर 2-2 रहता तो फिर ज्यादा बेटर हो सकता था, क्योंकि ये गेम वैसा नहीं था, बिल्कुल अलग तरीके का था। एक टीम ने फर्स्ट हाफ में डोमिनेट किया, दूसरी टीम ने फाइनल हाफ में डोमिनेट किया, तो बढ़िया था। बट ठीक है, पॉइंट्स लिवरपूल को मिले, जो एरिक डायर ने गोल दे दिया, गिफ्ट किया, इन द सेंस मैं बोलू गिफ्ट किया मोहम्मद साला को, जिसके वजह से लिवरपूल इस गेम को वो लोग जीत पाए। बट चांसेस भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बनाए थे, हार्वी एलियट उनके लिए एक प्रॉपर प्लेयर है और एक बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर वो जूट बेलिंगम को मिस भी कर लेते हैं तो आई थिंक कि हार्वी एलियट इजिली कमांड संभाल सकते हैं लिवरपूल का भी फिर फिलहाल तो, और कर्टिस जोन्स भी है उनके पास। बट डार्विन नूनियज, यार डार्विन नूनियज इज ए गुड प्लेयर, उसकी फिजिकैलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिवरपूल के लिए, इन सब चीजों में उसकी जो फिजिकलिटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, प्लस उसका जो रन्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहला गोल था असिस्ट था साला के लिए, वो बिल्कुल प्यारा था, नलिफाई कर दिया उसने स्पर्स को बिल्कुल, रॉबर्टसन का वो बॉल, उसका वो प्यारा सा कंट्रोल, और साला को बॉल और गोल। वो भी धीरे धीरे अपने फॉर्म को पकड़ रहा है, जिस तरीके से वो खेल रहा था लास्ट सीजन बेनफिका के लिए, सो वो धीरे धीरे अब पकड़ रहा है। ठीक है, अभी अच्छा रहा सुपर संडे आप बोल सकते हो, बहुत सारे ऐसे भी मैचेस रहे जिस जो मैंने देखा नहीं, मैं देखूंगा और उनके वीडियोज में लाऊंगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही था, और अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो बिल्कुल चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, और नए हैं चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।